वार्मली वेलकम। आज की जो रेसिपी है इसमें हम बड़े पाए बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और नहायत ही मुनासिब से अज़ा का इस्तेमाल करते हुए ये बनाएंगे। तो सबसे पहले अज़ा देख लेते हैं जी। तो अज़ा और इनकी क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले, और ये जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट ताकि जब आप बनाएं तो आपके लिए आसानी हो जाए जी। तो सबसे पहले जो है वो क्या करना है, जो पाए हैं इन्हें कुक करना है, गलाना है, ठीक है, टेंडर करना है। टेंडर करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच नमक लेंगे, 2 चम्मच जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लेंगे, और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, और इसके साथ तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी लेंगे, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाए में ऐड करके और उन्हें कुक करने के लिए रख देंगे। स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है वो आपने हाई फ्लेम पर कुक करना है ताकि जल्दी गर्म हो जाए, और नेक्स्ट जो है वो आपने लो फ्लेम पर कुक करना है जी। तो तकरीबन 5 घंटे लगेंगे इन्हें टेंडर होने में, और 5 आवर्स तक ये जो है ये आप रख देने, दरमियान में मिक्स करते जाएं, चेक करते जाएं, और तकरीबन 5 घंटे बाद ये टेंडर हो जाएं, गल जाएं, और उसके बाद नेक्स्ट जो है फाइनल लुक ही आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, ये इनकी फ़ाइनल लुक होती है जब ये टेंडर हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है बनाने का प्रोसेस, जो बुनाई का प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोसेस ही वो है, ये तो बेसिक सी चीज़ है कि आपने उन्हें गलाना है। तो नेक्स्ट जो है बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर दिए हमने पाए बनाना। ये सबसे पहले तो फ्राइड किया हुआ अनियन ऐड किया है, तकरीबन 2 चम्मच ऐड किए हैं। 1 मीडियम साइज़ के अनियन को काटा और उसे फ्राई कर लिया, और उसके बाद उसको अच्छे से मैश कर लिया। अच्छा जी, ये अनियन ऐड किया है, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटोज। तो टमाटोज जो हैं ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जो थे उनको काट लिया और अभी ऐड कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद ऐड करेंगे ये स्पाइसेस हैं, तो ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। एक बार ये स्पाइसेस जो हैं ये आप चेक कर लें। 1 टीस्पून जो है ये नमक है, और 1 टीस्पून ही हल्दी है, 1 टीस्पून जो है ये गर्म मसाला, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। अच्छा जी, ये ऐड करेंगे, अगर मज़ीद नीड होगी तो बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल स्टार्टिंग पॉइंट पे इतने ही ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करने का मकसद ये था कि पहले नमक इसमें ऐड किया और बॉईल करते टाइम, ठीक है जी। तो ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पाए बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसकी भुनाई ही होती है। अच्छे से भुनाई करेंगे आप तो बहुत मज़े के बनेंगे। और 1 टीस्पून गरम मसाला फ़िलहाल ऐड किया, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐड किया। 1 टीस्पून जो है ये दम के टाइम पे ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर लें और तकरीबन 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो 10 मिनट हो चुके हैं भुनाई करते, अब आप ये चेक कर सकते हैं। टमाटोज जो हैं वो भी अच्छे से मैश हो चुके हैं, और इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। ये मेरी प्यारी सी मामा की रेसिपी है, और आप इस मेथड से बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे, और आप सब दुआएं देंगे मेरी मामा को, ठीक है जी। तो बुनाई हो चुकी है, यहाँ पे एक टिप देती हूँ आपको। टिप ये है कि आपने अब इसमें गर्म पानी ऐड करना है। 2 ग्लास जो है वो मैं गर्म पानी के ऐड करूँगी। गर्म पानी ऐड करने से ये होगा कि ये हार्ड नहीं होंगे। तो ये एक छोटी सी टिप है, ये भी मेरी मामा की ही टिप है। तो जी, 2 ग्लास गर्म पानी ऐड कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो गरम पानी जो है ये ऐड कर लिया, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साइडों से भी साफ कर लें, ये भी मेरी मम्मा कहती है कि साइडों से साफ कर लिया करें, साथ साथ ताकि मसाला जो है वो जले ना। हाँ जी जी, आप ये लुक चेक कर सकते हैं, कितने मज़े के हैं ये। आप इस मेथड से ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी जो है ये कैसी लगी, ठीक है जी। तो अभी हम इनको दम पे लगाएंगे, 1/2 चम्मच जो है वो गरम मसाला ऐड करके उसको दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इन्हें दम पर रखा था, और उसके बाद जो है ये मैंने डिश आउट कर लिए। अब आप इनकी फाइनल लुक जो है वो देख सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर नमक मिर्च आप चेक कर लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको कम फील हो तो आप ऐड कर दें दम लगाने से पहले, ठीक है जी। क्योंकि हर घर का जो है वो टेस्ट डिफरेंट होता है, तो आप नमक मिर्च जो है वो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप मिर्च ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ब्लैक पेपर ऐड कीजिएगा, ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन ब्लैक पेपर ऐड कीजिएगा और रेड चिली पाउडर ऐड ना कीजिएगा, ठीक है जी। तो 15 मिनट के लिए दम पे लगाए रखा, 15 मिनट के बाद जो है ये फाइनल लुक है। मैंने इसमें ऐड नहीं किया कुछ भी, लेकिन अगर आपको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, दम से पहले ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी जी, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।